हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो मैंने सोचा इस वीडियो में थोड़ी सी कमेंट्री कर दें। चलो अब से बोलना भी शुरू कर देंगे, जो अच्छा गेम प्ले बनेगा तो उसमें कमेंट्री किया करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे उतर गए थे और एक बंदा उतरा था मेरे साथ। तो हमने पहले की लूट अच्छी तरह, हमें उतरते साथ ही M416 मिली, कितना लग गया यार। तो हमने यहाँ पे की अच्छी तरह लूट। अब हम बंदा ढूंढ रहे हैं। मेरे पास गन थी, मैंने कहा उस पर रश करता हूँ जाके, लेकिन वो मुझे बंदा नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से लूट कर रहा था, गन्स वगैरह अच्छी पकड़ रहा था। तो आप देखते रहिए। के बाद भैया जी हमें यहीं पे मिलेंगे, देखना आगे जाके मिलेंगे, यहाँ पे यहीं पे कहीं खड़े होंगे। देखिएगा, इन घरों में मैं लूट कर रहा था और बंदा भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो आगे जाके मिल जाएंगे भैया जी, उनको मारेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे उनकी लूट करके। तो यहाँ से मैंने अपनी M416 हाथ में रखी, यहाँ से मैं बड़े आराम से लूट कर रहा था और मुझे वो वाले सामने वाले घर में बंदा नजर आया। ये आगे भैया जी बाहर और इनको दिया हमने मार। हमने तो आपको देखा ही नहीं था भैया जी। इनकी अब मजे से करेंगे लूट और फिर चले जाएंगे हम जोन में। अब मैं गाड़ी ढूंढ रहा था कि मुझे कोई गाड़ी मिल जाए तो मैं जाऊं जोन में। तो अब मैं गाड़ी ढूंढ रहा था, यहाँ पे मैं लूट भी कर रहा था क्योंकि ना मुझे गन्स वगैरह मैंने चेंज की थी ना, तो इस वजह से उनके पार्ट्स वगैरह ढूंढ रहा था। तो यहाँ से हम गाड़ी की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे मिल जाएगी गाड़ी, वैन मिलेगी, उसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ से हम जा रहे थे भैया जी, पहला जोन था और ये कमाल की बात थी कि बंदे सिर्फ तीन जिंदा थे, सिर्फ तीन बंदे जिंदा थे पहले जोन में, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। तो फिर मैं आपको बताऊँगा आगे क्या हुआ, आप देखते रहिए। अभी मैंने लूट करनी है। ढूंढ करने के बाद हमने पकड़ी अपनी बस और निकल पड़े जोन की तरफ। वैसे तो मैं ऑलरेडी जोन में था, मैंने कहा चलो रश करता हूँ, बंदे थोड़े ही हैं। पर फिर मैंने कहा नहीं, अगर वो टीममेट हुए तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। फिर मैंने कैंपिंग के बारे में सोचा, फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, अगर कोई और बंदा हुआ तो गाड़ी लेने तो यहाँ पे ज़रूर आएगा। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, वापस चलते हैं, बंदा क्या पता ना आए, बंदे थोड़े हैं तो शायद उनके पास कार हो पहले से ही। पहले मैं यहाँ पे ऊपर छत पे चढ़ के कैंपिंग करने की सोच रहा था, फिर मैंने कहा नहीं वापस चल दें, रश करते हैं। तो हमने फिर से अपनी बस पकड़ी और चल पड़े रश करने। आजा, ये आ गई, चलो अभी से पकड़ लिया, अब लगाएंगे यहाँ से। इसका लगाया पहला गियर और भगा दी हमने अपनी बस। मैं अपने जोन को बड़ा था अभी, तो बंदों को ढूंढना करने के नाम ही नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लूट वगैरह करते हैं, आसपास घूमते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगी कार। तो हम यहाँ पे अंदर गए, यहाँ से हमें मिल गई 2 सीटर कार। मैंने
मैंने अपनी बस को छोड़ी और ये टू सीटर कार पकड़ ली। मुझे लगा यहाँ पे नेट वेट पड़े होंगे, यहाँ पे तो नेट ही नहीं थी, 8x का स्कोप था। तो हमने यहाँ से एक कार पकड़ी और फिर से धुड़की लगा दी कि रश करते हैं। वो जोन छोटा हुआ था मेरे देन में ही, मैंने कहा नहीं यार कैंपिंग ही करते हैं, बंदे टीममेट लग रहे हैं, मर ही नहीं रहे। तो फिर मैंने ऐसा किया, यहाँ से मैंने नेट वगैरह ढूंढ रहा था लेकिन नेट मिले नहीं मुझे। फिर यहाँ से एक्सटेंडेड मैग उठाई, फिर से बैठ गए अपनी गाड़ी में, फिर से गाड़ी दौड़ाई, दौड़ते तो हमने लगाई फिर धुड़की। तो ये देखिएगा अभी हम कहाँ तक दौड़े, फोन अभी काफ़ी बड़ा था तो हमने फुल धुड़की लगाई देने भाई, देखते हैं अब क्या बनता है। अपनी गाड़ी को खूब भगाया, भगाते भगाते फिर मैंने कहा रूट आई है तो ड्रॉप के पास चलते हैं। मैं ड्रॉप को ढूंढता रहा, मुझे ड्रॉप ही नहीं मिला, शायद मैंने कहा वहाँ पे बंदे हों। तो फिर मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ गया, एयरपोर्ट जाने के बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी लूट ढूंढी लेकिन मुझे लूट नहीं मिली, काफ़ी एयरपोर्ट पे चेक करने वाले लेकिन ड्राइवर भाई बता मैंने कुछ नहीं मिला। तो सारी मेहनत को भी जाया, हमने कहा बेइज्जती करवाने से अच्छा बाहर चलते हैं और जाके कैंपिंग करते हैं। हमने यहाँ पे शुरू कर दी कैंपिंग, वहाँ पे हमने पहले अपनी गाड़ी खड़ी की, मैंने कहा पहले ये वाली के ऊपर चढ़ता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर जंप किया और ऊपर चढ़ गया। लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि ये जगह ना बिल्कुल ज़रा ना ओपन से इलाके में है, मैं दूसरे पे जाता हूँ, वहाँ पे चढ़ा नहीं गया। अपनी गाड़ी लगा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मैंने गाड़ी को रिवर्स किया, इसके ऊपर चढ़ा गाड़ी के और ये इसके ऊपर चढ़ने की मैंने कोशिश की लेकिन फिर से फेल हो गया। तो इस बार अब मैं चढ़ूंगा, ये पक्की बात है भाई चढ़ूंगा, अब इनका अभी करता हूँ इलाज, ये पबजी वालों ने तंग किया हुआ MTA वालों ने, चढ़ गया ना। तो यहाँ पे लेटते हैं और करते हैं कैंपिंग थोड़ी सी, यहाँ पे स्कोप वगैरह लगाया लेकिन कुछ मुझे नज़र नहीं आया, फील करनी थी थोड़ी तो एनर्जी ड्रिंक पी ली, स्कोप वगैरह लगा के यहाँ पे लेटा रहा, यहाँ पे लेटा रहा खूब कैंपिंग की। फिर मैंने कहा यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, तो फिर मैंने सोचा चलो नीचे चलते हैं, वैसे भी मैं जोन में हूँ, जोन में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जोन पास ही था। तो मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पे पहले स्कोप से चेक किया, कोई बंदा नहीं था आसपास, ना बंदा ना बंदे की दाद। तो फिर मैं यहाँ से अब नीचे उतर जाऊँगा और छुपने की जगह चेक कीजिएगा कहाँ पर छुपूँगा। यहाँ से अभी चलते हैं नीचे, और यहाँ से हम गए नीचे, थोड़ी सी पावर कम होगी लेकिन कोई बात नहीं, दुख नहीं हुआ। अब यहाँ से इस दरख्त पे छुप जाएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कोई नहीं आएंगे। फिर जोन भी अब आने ही वाला था तो मैंने कहा चलो अब धुड़की लगाते हैं और जोन में पहुँचते हैं। तो जोन काफ़ी करीब आ गया था तो हमने यहाँ से अपने बंदे को नीचे उतारा, जोन के अंदर थी कार, थोड़ा सा रिस्क लिया, गाड़ी पकड़ी और फिर से लगा दी जोन की तरफ दौड़ी। तो गाइस यहाँ से जाते जाते जोन हो गया था काफ़ी छोटा, बंदे थे तीन, मुझे यही लग रहा था कि वो तीनों ही टीममेट हैं, मैं तो गया। तो फिर यहाँ से मैंने कहा चलो फिर से कैंपिंग करते हैं, घरों में जाके शाम को गाड़ी खड़ी की, गाड़ी मैंने कहा फोटो में छुपा देता हूँ, पहले मैं फोटो में छुपा देता हूँ, लेकिन गाड़ी का सिर्फ बोनट ही पौधों के अंदर छुपा, गाड़ी पूरी तो आ ही नहीं रही थी पौधों में। तो मैं इन घरों में चला गया, देखते रहिएगा, मज़ा तो आपको बिल्कुल नहीं आने वाला क्योंकि मेरी पहली वीडियो है ना कमेंट्री वाली, तो इंशाल्लाह आगे आएगा आपको मज़ा, देखते रहिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद। यहाँ से मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी क्योंकि यहाँ पर मैं लूट ही कर रहा था और कैंपिंग वगैरह कर रहा था, स्पीड मैंने फिर से तेज़ कर दी है, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैंने यहाँ से फिर दूसरे घरों में लूट वगैरह की, अच्छी तरह लूट की, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह की, हील वगैरह फुल की। तो यहाँ पे एक बंदा मर गया था, दो रह गए थे, तो मैंने कहा चलो यार ये शुक्र है टीममेट नहीं। अब मुझे ये लग रहा था कि ये जो दो बचे हैं ये भी टीममेट हैं, मेरा अंदाज़ा चेक करें आप। तो ये तो अच्छा हुआ दोनों टीममेट नहीं थे, मर गए थे, एक मर गया था
लास्ट ही रह गया था। फिर लास्ट वाले को मैंने मारा, आगे देखिएगा आगे बड़ा मजा आएगा। लास्ट वाले बंदे को बड़ा कमाल का मारा मैंने। अब यहाँ से जोन आ गया था, हमने फिर से अपनी गाड़ी निकाली और पहुँचे जोन में। अब यहाँ से उठेंगे, कैंपिंग काफ़ी होगी, कोई नहीं नज़र आया, चलो बेइज्जती होगी, निकलो अब, चलो मेरा पुत्र छुट्टी कर, चलो निकलो इधर से, अब गाड़ी निकालते हैं। पर अब यहाँ से जाते हैं फिर से जोन में। ये लास्ट वाला जोन बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ा इस पर गुस्सा चढ़ता है, सारी पावर ले जाते हैं, इसलिए मैं पहले जोन में ही जाता हूँ। मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ है, एक दो बंदा जिंदा रह जाता है, जोन ही मार देता है मुझे, उसे बेचारे को फ्री का चिकन डिनर मिलता है, मौजें करता है। मैंने कहा आगे गाड़ी ले जाना ख़तरनाक हो सकता है, बंदे ने देख लिया तो मार देगा, तो मैं पैदल ही जोन में दुड़की लगा दी। यहाँ से मैंने सोचा कि यहाँ पर जोन होगा, लेकिन आगे जाली थी, मैंने कहा चलो जाली छलांगते हैं। हाँ ये क्रिश के बच्चे हैं, हल्क बन जाते हैं, चलो। लेकिन जाली नहीं छलांगी गई और अच्छी टका के बेइज्जती हो गई, तो दरवाजे से ही बाहर चले जाते हैं। पहले मुझे डर था कि बंदा यहाँ से मुझे ओपन में मार ना दे, कवर भी नहीं था कोई पास। तो यहाँ पे देखिए एक बंदा रह गया था, फिर तो फिर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि एक बंदा इसे मारने की फुल कोशिश करूँगा। तो यहाँ से मैं जा रहा था, यहाँ पर मैंने पहले कहा घरों में छुप के कैंपिंग करता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, वो बंदे ने अगर नेट फेंक दिया तो भागने की जगह नहीं मिली। फिर मैं इस घर में चला गया, यहाँ पे थोड़ी सी, आपको पता है लूट का आपका भाई लूट है, तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी लूट की, बिल्कुल थोड़ी सी लूट, आप परेशान ना होइए, बस थोड़ी सी लूट की है। आप भी अगर कभी मेरे साथ खेलेंगे ना, आपको दिखा दूँगा कैसी लूट की है मैंने। अगर आपने मेरे साथ खेलना हुआ, मैच लगाना हुआ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपके साथ भी इंशाल्लाह खेलूँगा। मैच में हमारे ज़्यादा शुगर ही लगता है यार, चिकन डिनर कम ही होता है, कभी एक बार हो जाता है। मेरा 4 किल वाला चिकन डिनर हुआ, पर मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुई यार, रिकॉर्डर ऑफ था, बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा चलो इस पर डालूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हो सकी। यहाँ से की थोड़ी सी कैंपिंग, लूट वगैरह करके मैंने कहा आखिरी बंदा है, एनर्जी ड्रिंक्स, पेन किलर, जो कुछ है पी लो, इसको चर्सी बना दो और चलते हैं फिर जोन में। ब्लू शेड आ गई थी, अब जाना था जोन में, तो अब यहाँ से लगा दी दुड़की और अब पहुँचे के जोन में। हमारे पास थी ऑग, ऑग का डैमी तो आपको फिर पता ही है क्या, ऑग जिंदाबाद, ऑग से बंदा मारेंगे देखना आप। यहाँ से हमने लगाई दुड़की, भागे 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 जोन में, इतने वो मामे ही एकदम इतने अटैक करेगा, उसको पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे बंदा है। मैं यहाँ से आराम से गुजर रहा था, आगे जाके देखिएगा वो मेरे ऊपर अटैक करेगा, मुझे नज़र ही नहीं आएगा, फिर मुझे छत पे मिलेगा, ये देखना अभी अटैक होता मेरे ऊपर, ये देख, ये इसने मेरे ऊपर गोलियाँ बरसा दी हैं। अब मैं यहाँ से भाग रहा था, तो मैंने कहा यहाँ से जंप करता हूँ, फिर मुझे ऊपर नज़र आ गया, मैंने कहा पीछे से जाता हूँ इसे मार देता हूँ। ये दरअसल ना चढ़ा हुआ था ऊपर, और इसके लिए नीचे आना बहुत मुश्किल था, वो रहा ऊपर, मैंने इस पर अटैक कर दिया। जब ये नीचे आया तो इसे मैंने खड़ा होने का मौका ही नहीं दिया, और आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 किल के साथ चिकन डिनर किया। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।